इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में सौरभ। ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चेयरमैन रविंद्र मिश्रा का स्वागत भबौरी में समस्त पत्रकारों ने किया। उसके उपरांत एक एक्शन रैली निकाली गई। यह भबौरी से रामलीला चौराहा, बर्बर चौराहा से बाजार गज होते हुए नत्थू चौराहा, पीडी कॉलेज ततालीप, अली चौराहा से नगर पालिका में समाप्त हुई। नगर पालिका के सभागार में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र मिश्र ने समस्त पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पत्रकार हितों की रक्षा के लिए मीडिया निर्वाचन क्षेत्र और गारंटेड रोजगार योजना के गठन की मांग की जा रही है। काफ़ी समय लगभग 17 वर्षों से संघर्षरत है एब्जा। यह रैली 9 फरवरी 2018 को लखनऊ से चलकर आपके बीच पहुंची है। 25 फरवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के बाद संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ कहलाता है, परंतु उसके बावजूद उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा अलग अलग गुट बनाकर हमारे पत्रकार साथी काम करते हैं। हम सबको एक साथ मिलकर पत्रकार हितों की रक्षा के लिए काम करना होगा, तभी हमारा आपका सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्रम का संचालन युवा प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास नकवी ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से तहसील अध्यक्ष शिवम राठौर, चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी, महामंत्री मोहम्मद इलियास, मुकेश पांडे, मोहम्मद इरफान सिबलू आदि पत्रकार बंधु मौजूद रहे। अगर इसी तरीके से मोहब्बत मिला तो निश्चित तौर पर यह मान लीजिए कि सरकार को मजबूर मीडिया निर्वाचन क्षेत्र यानी पत्रकारों को देश के चौथे स्तंभ की संवैधानिक मान्यता देना पड़ेगा कि कहां पर क्या कमी है। परंतु ये डॉक्टर रूपी शासन प्रशासन उस कमी को सुधार नहीं करता।